नमस्कार, आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूँ। मैं हूँ मनीष अवस्थी। आज का शो आप सबके लिए है और आज सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि ये सवाल है सुरक्षा का। सुरक्षा चलती ट्रेन में, आपकी जान का। भारतीय रेल दुनिया का चौथा बड़ा रेलवे नेटवर्क है, जिसमें यात्रियों की सुरक्षा के लिए साल दर साल करोड़ों रुपए के सुरक्षा बजट में बढ़ोतरी होती है। मगर दो महीने पहले इसी भारतीय रेलवे की एक ट्रेन में हमलावरों से घिरा एक सुरक्षा चलती ट्रेन में, आपकी जान का। भारतीय रेल दुनिया का चौथा बड़ा रेलवे नेटवर्क है, जिसमें यात्रियों की सुरक्षा के लिए साल दर साल करोड़ों रुपए के सुरक्षा बजट में बढ़ोतरी होती है। मगर दो महीने पहले इसी भारतीय रेलवे की एक ट्रेन में हमलावरों से घिरा एक शख्स 3 घंटे तक रेलवे हेल्पलाइन पर मदद की गुहार लगाता रहा। अपराधी उसकी जान के पीछे पड़े थे, मगर फौरन मदद पहुंचाने की जगह हेल्पलाइन नंबर के कर्मचारी उसे बरगलाकर समझकर अपने सिर से बला टालने की कोशिश करते रहे, और फिर दूसरे दिन रेलवे ट्रैक से उसकी लाश बरामद हुई। इसका खुलासा रोहित के फोन की कॉल रिकॉर्डिंग से हुआ है। सुरक्षा में लापरवाही का शिकार बना रोहित नाम का शख्स हरियाणा के भिवानी का रहने वाला था, जिसका पूरा परिवार रेलवे को हत्या का जिम्मेदार ठहरा रहा है। हम आपको रोहित की कॉल रिकॉर्डिंग का पूरा सच भी सुनाएंगे, मगर पहले घर वालों की आप ये बात सुनिए। पूरा मामला तो ये था जी, ये मेरे को तो आगरा से फोन आया था और मेरे को डेड बॉडी मिली थी हॉस्पिटल के अंदर, पोस्टमार्टम के अंदर ले आया था मैं, उसका पोस्टमार्टम हो चुका था वो, मेरा आगे करवाया था उन्होंने आगरा में जी। और उनके उसके बाद में है ना, मैं अपनी बॉडी लेके आया, फिर मेरे उनके मोबाइल के अंदर है ना मेरे को रिकॉर्डिंग मिली। बस उस रिकॉर्डिंग आधार पे मैंने 0 FIR भी कटवाई SP से है, और ये संसद धर्मवीर है उनको भी दी है। आगरा वाले है ना, इसको ये दिखा रहे हैं भाई ये एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन एक्सीडेंट नहीं है जी। कम से कम मेरा बच्चा 1 घंटे तक आए तोबा करता रहा। 112 नंबर पे उन्होंने कॉल किया है और ये कह रहा है कि मैं अपने आप को सुरक्षित कैसे हूँ, मैं अपने आप को। फिर उन्होंने आगरा से भी फोन किया रेलवे से, उनसे भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। आखिरी में मेरे को डेड बॉडी मिली थी। अंकल जी, मैं रोहित बोल रहा हूँ जी। मैं इस ट्रेन में और 2 बंदे एक लड़की मेरे पीछे पड़ी हुई है, और अभी उन्हीं लोगों ने गालियां बक रहे और मैं फंस गया। दोनों तरफ से दोनों कट्टर बंदे, चारों गेट बंद है। ग्वालियर स्टेशन रुकेगी ये गाड़ी, गोवा लिंक एक्सप्रेस ग्वालियर में। हाँ ग्वालियर आएगी अभी, ग्वालियर स्टेशन नेक्स्ट। अरे तो ग्वालियर आइए, तुम्हारे पीछे कहाँ पड़ी है? पीछे रुकी थी झांसी, और वो मेरे मेरे वाले डब्बे में ही है, दोनों डब्बे चारों तरफ से बंद है। अरे तुम लोग क्या बात कर रहे हो, मेरे को समझ नहीं आया। झांसी कभी ग्वालियर क्या है? झांसी से निकल चुकी है, ग्वालियर अगला स्टॉपेज है, और वो जो जो जिस बोगी में मैं रुका हूँ ना SI डब्बे में, वो आगे पीछे से लोगों का शटर बंद है, गेट भी बंद है। तो लड़की पीछे पड़ी है तुम्हारे? दो लड़के, एक लड़की उनकी बहन। तो दो लड़के तुम्हारे पीछे पड़ी है सर? वो सारी बात बाद में बताऊंगा, अभी उसी डब्बे में वो कर देंगे सर कुछ। मैंने मेरे नंबर दिया था आपका। आपका तुम कौन हो? कौन हो सर? मैं पुणे से आ रहा हूँ, मैं रोहित हूँ, मैं बेसिकली दीवाने से हूँ सर। क्या रोहित हो, तो कहाँ लेके आ रहे हो? क्या लेके आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? वो कम सारी डिटेल दे रहा हूँ, कंपनी की मीटिंग थी, वापिस आ रहा था, उन्होंने ड्रिंक रखी है दो लड़कों ने। सर मैं रोहित हूँ, बेसिकली हूँ सर दीवानी से। हेलो, मैसेज भेजू सर आपके पास। तो सुना आपने, ट्रेन में बैठा एक मुसाफिर बार बार बोल रहा था कि मुझे बचा लो, नहीं तो ट्रेन रुकेगी तो दो लड़के और एक लड़की उसे ही मार देंगे। लेकिन फोन के दूसरी तरफ जो शख्स मौजूद था, वो उसकी बात ध्यान सुनने की जगह उसका मजाक उड़ाता रहा। ये आवाज 28 साल के रोहित की थी। रोहित को डर था कि उसके डिब्बे में मौजूद कुछ लोग उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो दौड़कर रेलवे पुलिस के पास गया,
लेकिन पुलिस के नकारा रवैये की वजह से उसकी मुसीबत कम होने की बजाय और बढ़ गई। उसने भारतीय रेल से लेकर यूपी पुलिस तक हर हेल्पलाइन नंबर पर फोन किया, हर जगह मदद करने की गुहार लगाई। आगे जो बातचीत आपको सुनाएंगे उसमें आपको जान बचाने के लिए रोहित का संघर्ष सुनाई देगा, लेकिन रोहित की जान बच नहीं सकी। 112 में आप तक पहुंचे, आपात सेवाओं के लिए 9 दबाएं। वेलकम टू 112, प्रेस 9। आपकी क्या सर? हेलो, क्या समस्या है? मैम मैं रोहित बोल रहा हूँ। मैम बेसिकली हूँ भिवानी से, मैं पुणे से निजामुद्दीन के लिए ये लोग मैं उसमें एक्सप्रेस में वो कर रखा मैम सफर। आपकी बात साफ यारी, क्या हुआ है मौके पे? मैम मैं निजामुद्दीन जा रहा था बाय ट्रेन जी। तो जब मेरे जो साथ वाली बर्थ थी ना मैम, उसपे दो लड़के थे, उन्होंने ड्रिंक रखी थी जी। वो भी निजामुद्दीन ही जाएंगे जी। और उन्होंने क्या देखा, मैं किसी और से बात कर रहा था कि डॉक्टर साहब ये वो सोचे ये डॉक्टर है तो इसको मारेंगे, दारू इसके ऊपर उतारेंगे। मैं अकेला पड़ गया मैम, मैं भाग गया। उनके साथ एक लेडीज भी आ गई, उनकी बहन भी। फिर मैं अंधेरे में छुप गया, फिर वो पत्थर लेके मेरे पीछे भागे। मैंने वीडियो भी बना रखी है और पत्थर भी मेरे सामने से पूछ पड़ा है। अभी वो पत्थर से आपके साथ मारपीट की, पीछे भागे, अब कहना क्या चाह रहे हैं? मैम पत्थर लेके तीनों मेरे पास दौड़े हैं, वो तो अंधेरे थे हर सीटों में, मैं पाया नहीं। अगर मेरे साथ कुछ और सिचुएशन तब तक आता, तब तक मेरे साथ कुछ हो जाता, मैं चलती मेरे चलती में कूद जाऊँ, कल को मैं नीचे भी आ जाता तो रेलवे क्लेम भी नहीं देती। फिर मैंने पुलिस वाला सर को बताया तो उनकी बर्थ पे गए ना जब, तो वो कपड़े लेके वहाँ से पता नहीं काम आ गया और हैं इसी ट्रेन में, क्योंकि इसके बाद वो जाएंगे निजामुद्दीन, आज ही पहुँचना जरूरी है। मैं कह रहा हूँ उनको पता लग गया कि पुलिस वाले आ गए, फिर वो वहाँ से अपना सामान उठा के और किसी डब्बे में शिफ्ट हो गया, और पुलिस वाला मेरे पास कोई है नहीं, अकेला हूँ मैं। हाँ तो मैं मैम S5 डब्बे हूँ अकेला। समय दीजिए, अनुरोध करेंगे सर, थोड़ा समय दीजिए। समय ले लो मैम, मेरे को कुछ हो गया ना तो देख लो जी, मैं तब तक लिविंग रिकॉर्डिंग और पुलिस वालों को बता रखा है, ये भी सुनने का समय दीजिए। हाँ जी, सूचना दर्ज करने की समय दीजिए, सूचना अभी दर्ज की जा रही है, आपकी आवाज काफी आ रही है, समय लग रहा है। मैम मेरे को तो जान का खतरा है ना जी, मेरे लिए तो एक कॉल बाकी। समझ रही हूँ, थोड़ा समय दीजिए, अनुरोध करेंगे, समझने का प्रयास करें, उसके बाद आप नहीं आ रही है, समझने में वक्त लग रहा है। ओके मैम, की जा रही है। रोहित भिवानी की एक प्राइवेट मेडिकल कंपनी में काम करता था, कंपनी के काम से वो पुणे गया था। बार बार रेलवे हेल्पलाइन पर कॉल करने के बाद उसे सिर्फ इंतजार करने को कहा गया। टिकट की लंबी कतार की तरह रेलवे हेल्पलाइन पर सवालों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। उसने एक सवाल का जवाब 10-10 बार दिया। उससे ट्रेन का नाम पूछा गया, ट्रेन का नंबर पूछा गया, ट्रेन कहाँ जाती है ये पूछा गया, ट्रेन कहाँ है ये पूछा गया, हजार सवाल किए गए और वो गुहार लगाता रहा, मैडम प्लीज मदद भेजो नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। आप हमें ट्रेन का नाम बता दीजिए। ट्रेन का मैम ये लोंगा एक्सप्रेस चलती है, जो 4:10 पे अपना पुणे एक्सप्रेस है। लोंगा वो सम, वो मैम इसका नाम मैं अभी नेट पे होल्ड करो, मैं अभी बताता हूँ मैम, एक मिनट होल्ड करो। जानकारी दें, लिंक गोवा लिंक एक्सप्रेस जी, गोवा लिंक एक्सप्रेस ट्रेन बताइए। क्या मैम? ट्रेन बता दीजिए, ट्रेन का नंबर क्या है? पुणे से चलती है 4:10 पे। ट्रेन नंबर बता दीजिए। ट्रेन नंबर मैम बोल करो, ट्रेन नंबर है मैम 17305 17305। आपने बताया सर ये कौन सा, आपने बताया S5 बता दो सर। हाँ, तो जो S5 में मैम स्लीपर में। सर आपका सीट नंबर क्या है? 29 अप्रैल 1991। मैम इतनी डिटेल पूछोगे आप तो फिर टाइम लग जाएगा जी। इसीलिए पूछा जा रहा है साइड से ताकि आपकी उसकी सहायता की जा सके। मैम आप पूछते पूछते रह जाओगे। समय दीजिए, पूछा जा सके, आपकी सहायता के लिए जानकारी की जा रही है।
जितनी उसकी जानकारी प्राप्त होगी उसमें आसान होगा आपको दूरा से बात करना। मैंने उनको बातें करके सुनाना, वो भिवानी के बाप थोड़ा गाँव के भी है, उनके साथ वो जिस गाँव के उस गाँव का नाम भी मैंने सुना था, लेकिन वो कन्फर्म नहीं है। उनके साथ एक लेडीज उनकी सिस्टर समझ रही हूँ, सूचना दर्ज की जा रही है S53 पर। आपने उनसे नंबर बताया ना, सीट नंबर आपका? सीट नंबर नहीं, मैं तो गेट पे खड़ा हूँ, क्योंकि ये डब्बा ना के पीछे से लोग है, शटर लगा हुआ पीले कलर का येलो कलर का। तीन का रूट बता दी, कहाँ से कहाँ जा रही है ये आपने बताना जाएगी? निजामुद्दीन जाएगी मैम, निजामुद्दीन। रूट मतलब कहाँ से हुआ था, कहाँ से कहाँ जा रही है? ये पुणे से होते हुए अपना ये मैं बताऊँ आगे के तो नाम नहीं पता। और जान बचाने की गुहार लगाते रोहित की जो आवाज हम आपको सुनवा रहे हैं वो गुस्सा दिलाएगी। ये आवाज सबूत है कि रेलवे की हेल्पलाइन के उस तरफ बैठी कर्मचारी ने अगर जरा सी भी मदद करने की कोशिश की होती तो उसकी जान बच जाती। जरा आप सोचिए, रेलवे की इस कातिल हेल्पलाइन पर दूसरी तरफ बैठी कर्मचारी को ये तक नहीं पता था कि ट्रेन जहां से गुजरने वाली है वो ग्वालियर स्टेशन किस राज्य में है। वो बार बार सिर्फ सवाल करती रही, रोहित गूगल पर सर्च कर उसके हर सवाल का जवाब देता रहा और आखिरकार आधे घंटे तक जान बचाने की हजार कोशिश करने के बाद उसे कह दिया गया कि उसे मदद नहीं मिल सकती। परेशान होते ना आप, पीछे कौन सा स्टेशन निकला अभी? अभी निकला था मैम झांसी जी। अभी कौन सा स्टेशन आगे आ रहा है जहाँ सहायता रेल से? आगे मैम यूपी के वो आएगा ग्वालियर मैम। सर ग्वालियर जो आप बता रही है, जैसे कि समझ पा रही हूँ ये यूपी से बाहर है मैम। ये ट्रेन ना पहले जाती है भोपाल, झांसी, आगरा, ग्वालियर, मथुरा और फिर अपना निजामुद्दीन। देखिए मैं पूछना चाह रही हूँ ग्वालियर से बता रही हूँ, कौन सा स्टेशन कौन से जिले में पड़ेगा आपका? यूपी में? ग्वालियर एमपी में पड़ता है मैम, ग्वालियर अकेला एमपी में पड़ता है, बाकी कॉर्नर पे है वो। सर आपको बताना चाहेंगे, आपकी कॉल यूपी पुलिस कंट्रोल रूम में लगी है। हम आपको ग्वालियर जो आपको बता रहे हैं ये आपका एमपी में पड़ जाता है। यूपी से आता जी, मैं ये बता रही यूपी से एमपी में तो नहीं पुलिस जा सकती, लेकिन हम आपको एमपी कंट्रोल रूम का नंबर दे रहे हैं जी। मैम वो आप है ना नंबर अपने पास ही रखो, मेरे को सर ने बोला था, वो पुलिस वाले जो बाहर खड़े थे भाग के S1 डब्बे में चला जा, वहाँ पे गार्ड साहब होंगे या जो भी स्क्वाड साहब कहते हैं उनको, मैं भाग नहीं पाया, ट्रेन चल पड़ी S5 में। अभी मैं अपने आपको सेफ समझूंगी नहीं, मेरे को इतना जवाब दे दो, आगे चाहिए हेल्प करो ना करो। आप ट्रेन में गुंडों के बीच से रोहित की मजबूरी समझ कर देखिए, हेल्पलाइन पर बार बार सिर्फ सवाल किए जा रहे थे, उससे पूछा जा रहा था कि ग्वालियर किस जिले में है, अगला स्टेशन किस राज्य में आता है, ट्रेन का रूट क्या है, और वो बार बार कहता रहा। ट्रेन में मौजूद स्टाफ से बोलकर बस उसकी बोगी का शटर खुलवा दिया जाए, उसकी जान बच जाएगी। नहीं है वहाँ पे जो ट्रेन में क्या हुआ है, कौन लोग हैं, हमें इसकी जानकारी नहीं होती है। मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ, आपकी सुरक्षा के लिए हम आपको जो आगे का कंट्रोल रूम नंबर है एमपी का वो दे दे रहे हैं, ताकि अगर कोई भी समस्या हो तो आपकी तुरंत सहायता हो सके। मैम इतनी देर देखो एक सुन लो तो मैम लास्ट बात सुनो, चलो ठीक है ये प्रोसीजर होता है, करना जरूरी है, हो गया ऐसे काम नहीं होता, लेकिन एक बार बताओ नेक्स्ट स्टेशन से पहले अगर कुछ हो गया तो मेरे को इतना बता दो बस, मेरे पास रिकॉर्डिंग मैं करना पारी हूँ, मेरे को ड्राइव जी आप कुछ भी नहीं करेगा मैम मुझे। बात कीजिए बात कालीन सेवा में कॉल किया है, इससे पहले आपको बताया ट्रेन की जानकारी हमारे पास नहीं है कि ट्रेन में कौन सा कहाँ बैठे हैं कौन लोग हैं। उनका सीट नंबर बता दूंगा S6 उनका डब्बा नंबर था और सीट नंबर बर्थ नंबर मैम, और जैसे कोच के स्टार्टिंग में होते हैं ना पहले वो 1-7-1 सीट होगी। चाहेंगे जो कहना चाह रही हूँ समझने का प्रयास करिए मैं क्या बता रही हूँ आपको। हाँ जी बताइए। मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आप झांसी निकलकर ग्वालियर रेलवे स्टेशन पहुँचने वाले हैं, यानी आप एमपी पहुँचने वाले हैं, हम आपको एमपी कंट्रोल रूम का नंबर दे रहे हैं, या अगर आप चाहें तो हम आपको व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं जिससे आप बात कर सकते हैं। मैम 1 घंटा लग जाएगा जी उसमें ग्वालियर पहुँचने में, वक्त नहीं लगता है, तो आप मुझे बताएं अभी कहाँ ट्रेन रुकेगी, अगला स्टेशन बताएं ताकि वहाँ पे सहायता पहुँच सके। नहीं गार्ड साहब जो अपने पुलिस वाले होते हैं ना ये स्टर खुलवा देंगे, मैं अपने आपको एक नंबर में सेफ समझूंगा चाहे कुछ भी हो बाद में। सर जब तक आप हमें बताएंगे नहीं हम कैसे उनसे बात कर सकते हैं, आप हमें बताएं आप अभी कौन से कहाँ कौन सा रेलवे स्टेशन आने वाला है? ग्वालियर आएगा मैम। ग्वालियर जो बता रही थी एमपी में आएगा ना आपका? मैम हाँ अकेला ग्वालियर एमपी में पड़ता है, बाकी इसके आगे वाला भी यूपी में, पीछे वाला भी यूपी में। सहायता कहाँ भेजे आगे कौन से रेलवे? ग्वालियर से पहले मिल जाए तो बढ़िया जी, नहीं ग्वालियर तो फिर वो ग्वालियर से पहले कौन से स्टेशन पे रुकेगी?
मैम मेरे को ये S1 में मैं कैसे पहुंच जाता, इनके स्टोर वाले का नंबर होता तो शटर खोल देते हैं आगे निकल जाता। तो आप अगर चाहें तो इसी को बता रही हूँ कि हम आपका अगर चाहें तो GRP कंट्रोल रूम का नंबर दे रहे हैं, वो डायरेक्टली अगर कोई होगा तो उनसे बात कर सकते हैं वो। ठीक है मैम, दे दी। तो आपने रोहित की वो मजबूरी वाली आवाज सुनी, वो चीखता रहा, वो चिल्लाता रहा। जी हाँ, वो दुनिया में चौथे नंबर पर है, वो शहरों को जोड़ती है, करोड़ों लोगों के रिश्ते निभाती है, लेकिन वो इंसानियत का गला भी घोटती है। उसका मूल मंत्र है सुरक्षा, सुरक्षा और समय पर रहना। जी हाँ, वो भारतीय रेल है, वो भारतीय रेल अगर सुरक्षा की सोची होती, वो भारतीय रेल अगर रोहित को समय पर मदद पहुंचा देती तो रोहित काल के गर्भ में नहीं समा जाता। जी हाँ, टिकता रहा लेकिन एक उसकी नहीं सुनी गई, और ये भारतीय रेल है जिस पर हम गर्व करते हैं कि ये दुनिया की चौथे नंबर की रेल है। आइए इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का एक पैनल है। पैनल में रेलवे के गवर्निंग काउंसिल मेंबर रहे बीजेपी नेता विनीत गोयन का गंभीर मुद्दा है, इनका व्यक्तित्व भी गंभीर है, और हम उम्मीद भारतीय रेल है जिस पर हम गर्व करते हैं कि ये दुनिया की चौथे नंबर की रेल है। आइए इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का एक पैनल है। पैनल में रेलवे के गवर्निंग काउंसिल मेंबर रहे बीजेपी नेता विनीत गोयन का गंभीर मुद्दा है, इनका व्यक्तित्व भी गंभीर है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके जो जवाब होंगे विनीत जी वो भी गंभीरता से आएंगे। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक तेज तर्रार और बेबाक निशांत वर्मा भी जुड़े हुए हैं। जी हाँ निशांत जी, कई सवाल आपके मन में भी होंगे, आपने भी रेल में सफर किया है, करते होंगे, मैं भी करता हूँ। मेरे साथ इसके कानूनी पक्ष को लेकर सुशील टेकरीवाल साहब, आज सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील हैं। आपसे पूछा जाएगा कि क्या हेल्पलाइन नंबर कातिल नहीं है, चीखता रहा एक युवक अपनी गुहार लेकिन कोई सुनने को खाली नहीं। हेल्पलाइन का काम क्या होता है, हेल्पलाइन में काम कर रहे लोगों की ट्रेनिंग होती है या रटी जवाब आते हैं? एक बात तो है कि इस बात को देखने के बाद बड़ा दुख होता है, हेल्पलाइन में फोन करने के बावजूद जान नहीं बच पाए तो इसके बारे में मेरा कोई दो राय नहीं है। तकलीफ दुख बहुत बड़ा, जो समस्या है कि जिसमें किसी की मौत हो जाए बड़ी तकलीफ है, कोई हो जाती है चोरी वगैरह तब भी दुख होता है, ये तो बहुत बड़ी दुख की बात है। ट्रेनिंग बाकायदा होती है ताकि से सुना तो कोशिश करी थी उससे समझने की कि अगला स्टेशन कौन सा है, कैसे हेल्प करें, व्हाट्सएप नंबर भी पास करने की कोशिश करी थी। कई बार आदमी जब मुश्किल में फंसा हुआ होता है तो घबराहट में वो ठीक से बता नहीं पाता है, शायद हेल्पलाइन की व्यक्ति जो थे ये कोशिश करे थे समझने की डेंसिटी ऑफ दी प्रॉब्लम। एक आग्रह है आपसे, आप हेल्पलाइन का पक्ष न ले, साफ तौर पर हमने आवाज सुनी है और आवाज में ये साफ है, समझने की जरूरत नहीं। मुझे याद है जब सुरेश प्रभु रेल मंत्री थे, एक मां ने गुहार लगाई थी कि बच्चे के लिए दूध चाहिए, अगले स्टेशन पर दूध मौजूद था, वो इसलिए कि वो उनका संसदीय क्षेत्र था। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं जो सोशल मीडिया का ग्रीवेंसेस हैंडलिंग जो था वो मैं ये हैंडल कर रहा था उस समय पर, इसलिए मुझे पता है कि उस समय कोशिश हम ये करते थे कि सभी को सर्विस मिले, हेल्पलाइन की ये भी कोशिश होती कि हर बार सर्विस हो। हाँ इस बात की तहकीकात जरूर होगी कि प्रशिक्षण ठीक से हुआ था कि नहीं हुआ था, कर्मचारी ने अपने काम किया था कि नहीं किया था, लेकिन जो घटना हो चुकी है उसका तो खामियाजा पूरा नहीं होगा। एक बात होता है कि कई बार हेल्पलाइन में सत्य की जानने की कोशिश करते हैं लोगों कि वो कोई प्रैंक कॉल तो नहीं है। कई बार एक घटना में आपको बताऊं कि हजार कॉल जाते हैं उसमें से कई कॉल प्रैंक होते हैं। अभी दुर्दैवी है कि ये कॉल जो था वो सच कॉल था लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ था। तो मैं आपको एक तो आश्वस्त करना चाहता हूं कि तफसील होगी, तफसील पूरी होगी, जिम्मेदार व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा, पकड़ा जाएगा उसके अंदर। और अगर उसके अंदर से दो बातें और आएगी, एक तो गुनेगार को पकड़ना, दूसरा रेलवे को अगर पॉलिसी चेंजेस करना है कि उसमें ट्रेनिंग लाए तो वो भी जरूर की जाएगी। सुरक्षा सुरक्षा सुरक्षा, लेकिन कानों में अगर कोई गुहार लगाता है तो वो आवाज नहीं पहुंचती। निशान जी आपने रिकॉर्डिंग सुनी रोहित की, इसमें एक बात जो आप देखिए, हम बात करते हैं एक देश एक निशान एक विधान, लेकिन रेलवे का यात्री जो टिकट लेता है जिन राज्यों से होकर रेलवे गुजरती है वहां कानून बदल जाता है, उसे कहा जाता है कि ये यूपी में है, उसे टालमटोल करके कहा जाता है ये मध्य प्रदेश में, कैसा अपाहिज सिस्टम है ये? मनीष जी ये शायद वन ऑफ द रेयर प्रोग्राम्स है कि जिसके अंदर शुरुआत में इतना कुछ आपने चलाया दिखाया ताकि दर्शकों को और हमको समझ में आए कि रोहित के साथ हुआ क्या। इतनी लंबी लंबी रिकॉर्डिंग्स आपने प्ले करी, उस पूरे रिकॉर्डिंग्स के जितने भी आपने अंश सुनाए शुरू से लेकर अंत तक, उसमें
और यहाँ माननीय विनीत जी जो रेलवे गवर्निंग काउंसिल में रह चुके हैं, इनके वक्तव्य में मैं वो एक शब्द ढूंढ रहा था जो ना तो वहां से हेल्पलाइन वाली ने पूछा और ना विनीत जी ने यहाँ पे इंडिकेट किया। वो छोटा सा शब्द है पीएनआर। वो औरत खाली अगर ये पूछ लेती पीएनआर नंबर बताइए, उसको सब मालूम चल जाता। पीएनआर से ये मालूम चल जाता कि गाड़ी कहाँ है, कि वो अगर पीआरएस में चली जाती तो पीएनआर से सब आ जाता। सर मैं रेलवे में ट्रेवल करता हूं, मैं इतनी कंप्लेंट्स करता हूं, इतने रेक्टिफिकेशंस भी होते हैं और नहीं भी होते हैं। फोन पे बात हो रही होती सामने से, लेकिन साहब डिजिटल इंडिया में ट्रेन में फोन कनेक्शन नहीं आते हैं, वो तो बहुत दूर की बातें हैं। माइंड यू पीएनआर नहीं पूछा गया। यदि खाली पीएनआर नंबर पूछ लिया जाता तो उस ट्रेन की हालिया सिचुएशन किस जगह पे है आधा मिनट प्लस माइनस उस लेडी को वहां सिस्टम पे दिख जाती। ग्वालियर कहां है, झांसी कहां है, मथुरा कहां है, आज रोहित नहीं है जी। जस्ट पीएनआर पूछ लिया होता तो जी। विनीत जी आपने पीएनआर का जिक्र तक नहीं किया। ये कैसी ट्रेनिंग, ट्रेनिंग तो बहुत दूर की बात है, ये कैसा क्वेश्चनर है। हमने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में क्वेश्चनर्स रेडी किए। सबसे पहली चीज जो डिजिटल इंडिया में और डिजिटल इंडिया से पहले भी ट्विटर पे मैं भी सर कंप्लेंट करता हूं, आई राइट माई पीएनआर। उस पूरे फॉर्मेट में पीएनआर नहीं था। अगर उस लेडी ने पीएनआर पूछा होता मनीष जी, बाकी किसी सवाल की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ दो चीजें, आपका पीएनआर नंबर बताइए और आपका हादसा बताइए। हेल्पलाइन थी जी, पीएनआर महत्वपूर्ण है चाहे जितनी देर ये क्लिप चले है रिकॉर्डिंग के, उतने में तो मदद पहुंच गई होती सर। निशान जी पीएनआर न केवल रेल सफर के लिए बल्कि हवाई सफर में भी पीएनआर का ही महत्व होता है। पीएनआर के जरिए आपको बोर्डिंग पास मिलते हैं। आप जानते हैं कि पीएनआर कितना महत्वपूर्ण होता है। मेरे साथ सुशील टेकरीवाल साहब हैं, लेकिन इस वक्त मुझे मजबूरी है एक छोटा सा ब्रेक लेना है और ब्रेक के उस पार हम आपको मिलवाएंगे रोहित के पिता से, जो बताएंगे कि आखिर रोहित के साथ क्या हुआ था, उस परिवार पर रेलवे ने किस तरह से हमला किया, उनका बेटा बच सकता था, काश की रेलवे की हेल्पलाइन वाकई हेल्प करने। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। जी हां, हम कोशिश करेंगे इस हिस्से में कि रोहित के पिता राजकुमार जी से आपको रूबरू कराएं। इस बीच हमारे साथ मौजूद है सुशील टेकरीवाल साहब। सुशील जी, जो हेल्पलाइन का काम करना चाहिए था वो नहीं हुआ, और ये नहीं होने की वजह एक घर का चिराग बुझ गया। देखिए निश्चित रूप से एक व्यवस्था का कोलैप्स है। रेलवे प्रशासन और साथ में जो व्यक्ति जो हेल्पलाइन जिससे हेल्प मांगी जा रही थी, और उसने अगर जानबूझकर इस चीजों को दरकिनार किया और प्रश्न पर प्रश्न पूछते रहे, उन सब के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए, नकारात्मक और लापरवाही का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और साथ में सरकार की तमाम दावों की बात की, ट्रेन में जो सुरक्षा है, हर पैसेंजर को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, वहां पर पुलिस की गश्त की जाएगी। इसलिए मैं आपके पास आऊंगा, रोहित के पिता भी जुड़ चुके हैं। आइए हम पहले उनसे सुन लेते हैं आखिर कैसे हुई थी ये घटना और कैसे उन्हें ये सारी बात की जानकारी मिली। रोहित के पिता राजकुमार जी देश के सवाल में मौजूद, यहां मौजूद तमाम मेहमान आपके दुख में शामिल हैं। जी हां, आखिर रोहित की जानकारी आपको कैसे मिली? मेरे को ऐसा है जी, जीआरपी का नंबर आया मेरे पास 3:30 और 4 के बीच में, और ये उसी नंबर से आया जिसका जो रोहित का मोबाइल था जी। ये कपड़े पहना हुआ है, ऐसा लड़का है और इतनी हाइट है, और ये नंबर है उसका। फिर मैं तो भी अपने जाने की तैयारी में लग गया, और फिर मैंने 5 बजे बस पकड़ी यहाँ से, फिर मैं आगरा पहुंचा तो उन्होंने डेड बॉडी है ना किसी मेडिकल में रख रखी थी। वहां से फिर एक रोहित नाम का पुलिस वाला है जिसकी अंदर ड्यूटी थी, वो मेरे से ये कहने लगा भाई इसका तो एक्सीडेंट होया, खुदकुशी की है इसने। मैंने ऐसी तो कोई प्रोसेस नहीं भाई, कंपनी के वास्ते जाया हुआ था और कंपनी के काम से आ रहा था,
और अब महाराजगढ़ में ऐसी तंगी हालात भी नहीं है कि भाई बिल्कुल ही इतने हैं जो ये आगरा खुदकुशी करेगा। फिर वो पोस्टमार्टम करके मैं अपने डेड बॉडी घर ले आया। घर ले आने के बाद हमने दाह संस्कार कर दिया। उसके बाद में रात को रिकॉर्डिंग मिली है जी, और वो रिकॉर्डिंग मिलने के बाद मैंने सीधी जीआरपी को रिकॉर्डिंग भेजी जी। राजकुमार जी, हम आपसे जानना चाहेंगे जिस समय रोहित रेलवे की हेल्पलाइन से गुहार लगा रहा था, आरपीएफ से गुहार लगा रहा था, इस बीच ये 3 घंटे के दौरान क्या रोहित ने आपको कॉल करने की कोशिश की थी? रोहित का कोई कॉल आपके मोबाइल पर आया था? नहीं, उससे पहले आया था जी मेरे पास 11 बजे के करीब। मैंने ये कहा भाई तू ठीक है? बोला हाँ मैं पापा ठीक हुआ, भोपाल क्रॉस करूंगा मैं। राजकुमार जी, जब आप पुलिस के पास गए, आप जीआरपी के पास गए होंगे, जब आपको रोहित की ये जानकारी मिली, दुखद जानकारी मिली, तो जीआरपी ने आपको किस तरह से ये सारी बात को बताने समझाने और इस बात को गोलमोल तरीके से कैसे आपके सामने पेश किया? मेरे सामने तो उन्होंने ये पेश किया, ये पल्ली साइड से उतर रहा था और वहां पिसड़ गया, ये ट्रेन के नीचे आ गया। और सर उस टाइम मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था जी। आपको ये रिकॉर्डिंग मिलने के बाद मेरे को बोलने का मौका मिला है। राजकुमार जी, आपको ये रिकॉर्डिंग कैसे हाथ आई, कैसे मिली आपको ये रिकॉर्डिंग रोहित की? रात को खाना खा रहा था मैं, बार बार ये रिकॉर्डिंग आ रही थी। मैंने बोला उसका मोबाइल चेक तो कर लो, कुछ हो इसके अंदर है, तो हम वो चेक करने लगे तो जब ये रिकॉर्डिंग मिली थी सर जी। तो ये रिकॉर्डिंग के बाद आपने क्या किया? आप ले जाकर पुलिस को आपने बताया कि देखिए सच ये है? मैं सीडी देकर आया हूँ जी, सिटी थाना में 0 FIR के बाद SP से मिला हूँ। SP के बाद में मैंने 0 FIR वो सिटी से मिली ही, उसको मैं ये देख आया हूँ सीडी। एक संसद धर्मवीर को सीडी देख आया हूँ मैं जी। तो ऐसे कितने लोगों पर आपराधिक मामला दर्ज हुआ है, आपको कोई जानकारी है राजकुमार जी इस बात को लेकर? मेयर को कोई जानकारी नहीं जी। आगरा का विजय सिंह SHO आया हुआ था, उन्होंने मेरे को ये लैपटॉप पे दिखा दिया, भाई तुम्हारा लड़का है ना यहाँ से चढ़ रहा था और ट्रेन के नीचे आ गया, और एक दीपक नाम का पुलिस ये है उसके साथ, वो उसको मिला। वो लड़का ये कह रहा था कि मैं बस से जाऊंगा, और फिर वो दीपक ने बोला मैं यहाँ है ना मथुरा तक जा रहा हूँ, मेरे साथ चल। तो अगले गेट से दीपक चढ़ता है, पिछले गेट से ये चढ़ता है, और उसके बाद में वो नीचे दिखा देते हैं लाइन के। राजकुमार जी, ये रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद रेलवे के कोई अधिकारी आपसे आकर मिलने की कोशिश की उन्होंने? कोई रेलवे का कर्मचारी अधिकारी आप तक पहुंचा है? नहीं जी, कोई नहीं पहुंचा जी। मेरे पास तो आप आए थे, उन्होंने हफ्ता 10 दिन हो गए, वो लैपटॉप पे आपने दिखा कर चले गए, भाई ये मामला है जी। राजकुमार जी, आप बने रहिए, आपके दर्द को हम समझते हैं। पिता के सामने जब उसके कुल दीपक की अर्थी उठे तो पिता पर और परिवार पर क्या बीतता है, फिर एक बार आपके इस दुख में हम शामिल है। सुशील जी, आपने पूरी आपबीती और कहानी सुनी कि आखिर रोहित के पिता ने जो बताया, इसको देखकर आपको क्या लगता है लापरवाही किस किस एंगल पे हुई, किस किस स्टेज पर हुई? देखिए, इसमें बहुत बहुत गंभीर लापरवाही बरती गई है। सबसे पहले उस महिला ने जो हेल्पलाइन नंबर का रिकॉर्ड ले रही थी और बातचीत कर रही थी, उन्होंने कोई भी इमीडिएट उनको फौरन कार्रवाई करके और जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं या जो कंसर्न मैकेनिज्म है उसको इमीडिएट एक्टिवेट करना चाहिए था, क्योंकि ऐसे आपात क्राइसिस सिस्टम में जो एक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए वो प्रशिक्षण ऐसा लगता है कि उनको था ही नहीं। 0 FIR की बात सामने, दूसरी बात मैं उस पर आ रहा हूं, तो क्या इसमें रेलवे भी पार्टी बनती है? इसमें निश्चित रूप से रेलवे प्रशासन की गंभीर लापरवाही है और रेलवे प्रशासन के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए
और कानून के अनुसार से वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन बनती है, इसमें कहीं दो टूक बात नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसले में ऐसे बातें कही हैं और सरकार ने भी चपलता और फुर्ती के साथ रेलवे प्रशासन के जो गार्ड होते हैं आरपीएफ के, उन सब की एक छोर से दूसरे छोर तक निगरानी की भी दायित्व को सुनिश्चित किया है। लेकिन ये सारी चीजें वहां पर नदारद थी जो निश्चित रूप से इस व्यवस्था के कोलैप्स होने का और इशारा करती है। सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमारा सिस्टम, जी हाँ, वो रेलवे जो कहती है, दावा करती है कि हर ट्रेन में वाईफाई होगा, सुरक्षा के नाम पर 70,000 करोड़ रुपए का आउटले होता है, आने वाले 12 साल में 50,00,000 करोड़ सुरक्षा के नाम पर खर्च करने का लक्ष्य और अनुमान है। विनय जी, आपने सुना, रेलवे का एक कर्मचारी, एक अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचा, इतनी दुर्दशा। नहीं, बात बहुत गंभीर है, दुख भी देती है, पीड़ा देने बाहर है, लेकिन कुछ बात मैं आपके समझ दूंगा कि इसके अंदर एक तो जो हेल्पलाइन के लोग थे उन्होंने समझदारी दिखानी चाहिए थी, शायद दुर्घटना जो थी वो टल सकती थी। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि निष्कर्ष पे पहुंचने के पहले, क्योंकि तथ्य हमारे पास सिर्फ ऑडियो विजुअल है, तो मैं इसलिए तुरंत निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहता हूं। तफशील जारी होगी, तफशील कर रहे होंगे, उसकी तहकीकात होगी और उसके छानबीन के बाद में पता चलेगा कि इसका डिटेल्स क्या है, क्या ये मर्डर का केस है कि खुदकुशी का केस है, कोच नंबर S5 खाली कैसे होगा, क्योंकि जनरली S5 में 72 लोग होते हैं, तो ये दिन का समय होगा तो चारों गेट और दो जो लीवर से वो कैसे बंद होंगे। जो FIR दर्ज की है विनय जी, पुलिस ने ये मामला हत्या का करार दे दिया है, तो पुलिस ने भी अपने जांच के बाद ही FIR की जो प्रक्रिया होती है जाएं और कर ले, ऐसा तो नहीं, जबकि मामला किसी की मौत का था तो पुलिस ने भी जांच की और जांच के बाद यह FIR दर्ज हुई है, यह खुदकुशी नहीं, यह हत्या है। नहीं, मैंडेट जो था हत्या का उसको तो एक्सटेंड हुआ होगा, जैसे इन्होंने ये सीडी दी होगी वो मैंडेट एक्सटेंड होकर, वेदर वहां के जो कर्मचारी थे उन्होंने अपना काम किया क्या, सक्रियता से किया क्या, सज्जता से किया क्या, उसके अंदर उनके अंदर उसके इमोशंस ठीक से थे कि नहीं, ट्रेनिंग, वो तो जांच होगी, तो जब तक जांच होगी तब तक कुछ बोलना अच्छी बात नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने जैसे कहा कि हम कुछ चीजें जो है वो हो सकती है, एक जैसे निशांत जी ने कहा कि भाई जब भी आप ऐसे कोई घटना में गुजरे तो थोड़ा सा सब्र रखिए, PNR नंबर बताए, मैं भी अपने टीम में जाके फिर से बताऊंगा कि भाई कर्मचारी जब बात करें तो वो PNR नंबर ले, PNR नंबर से लोकेशन पता कर सकते हैं, एक नंबर। दो, मैं इस समय निष्कर्ष में नहीं पहुंचना चाहता हूं कि ये कोई मर्डर है या कोई सुसाइड है, क्या इसमें हेल्पलाइन की कोई मिस्टेक है, क्योंकि कई बार हेल्पलाइन जो है वो ये तथ्य को भी जानने की कोशिश करता है कि ये प्रैंक है कि नहीं है। देखिए, एक बात आपको समझना पड़ेगा कि हजारों कॉल आते हैं, उस हजारों कॉल में से एक जो कॉल है वो हमारे आज दुख की बात है। दोनों वेस्टिब्यूल, चूंकि आप रेलवे के गवर्निंग काउंसिल मेंबर रहेंगे और रहे हैं, और मैं ये कहना चाहता हूं, वेस्टिब्यूल किसे कहते हैं, जब आप एक डिब्बे से गुजरकर दूसरे डिब्बे में जाने की कोशिश करते हैं तो वो जो पादचारी मार्ग होता है उसके बीच में एक शटर होता है, तो ये अपराधियों ने पहले शटर डाउन किया। तो आप ये कह रहे हैं कि अब ये सारी बातें जांच के विषय में है, एक शौचालय वैसे बंद नहीं, वो सुरक्षा बल कहां था उस समय, आपके ट्रेन में TS होता है, TS के साथ RPF के जवान होते हैं, वो कहां थे? देखिए, साधारणतः तो ये है कि एक पेट्रोल पार्टी होती है, जो पेट्रोल पार्टी ट्रेन के अंदर बार बार घूमती रहती है ताकि वहां पे जो भी होता है उसकी जानकारी वो रखे और आंख खुली रहे उनकी। तो ये तो तहकीकात की बात है कि पेट्रोल पार्टी कहां थी, वेजिटेबल्स बंद कैसे हुए, पेट्रोल पार्टी क्या दोषी बचा नहीं जाएगा, वो ये कभी ध्यान देंगे, दोषी सिस्टम का हो, सिस्टम के बाहर का हो, हेल्पलाइन वाला हो या RPF का लोग हो या GRPF हो, इसमें GRPF का भी रोल है, तो सभी की तहकीकात होगी। और एक तो बात आपको समझ पड़ेगी कि इसमें अगर कोई कमी है तो उसके बारे में आपको निश्चिंत रहना पड़ेगा कि कार्रवाई जरूर होगी। जी, मैं मानता हूं कि कार्रवाई तो जरूर होगी, क्योंकि भाई मामला इतना बढ़ गया है कि 0 FIR हो गई और पूरा देश आज देख भी रहा है। पर इससे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि 0 FIR भी ऐसे ही हवा में तो हो नहीं जाती है। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है, मुझे पक्का विश्वास है कि इस आवाज की शिनाख्त तो राजकुमार जी ने की ही होगी जब पुलिस ने पूछा होगा कि ये उनके बेटे की ही आवाज है। सवाल ये उठता है, और उनके बेटे के मोबाइल में ये उठता है, सवाल एक और अब कार्रवाई की नहीं, कहां से मिला, फौरी कार्रवाई होती तो वो बच जाते। मैं कह लूं, फौरी कार्रवाई बात रख लूं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, उस व्यवस्था को संवेदनशील बनाने, इसीलिए ये ज्यादा जरूरी है कि जब ये आवाज की शिनाख्त हो चुकी होगी तो पुलिस तो ठीक, लेकिन GRP को सबसे पहले तो उस ट्रेन की सिचुएशन निकाल के वहां कौन उस समय गार्ड्स थे, कौन उसमें TT थे या जो भी लोग होते हैं, कौन RPF था, उसको निकाल के, ये मामला 2 महीना पुराना, 3 महीना पुराना है मेरे ख्याल से, ये अभी कल का नहीं हादसा है,
अभी तक इस पे कुछ ना निकल पाना, जैसे राजकुमार जी बता रहे हैं कि जीरो FIR ही हुई है, वरना वो आज ये बता रहे होते कि इस पे आगे की कार्रवाई क्या हुई है। मेरे ख्याल से इस साल के तो तीसरा महीना शुरू हो गया है राजकुमार जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये मेरे ख्याल से नवंबर की पिछले साल की बात है। चार चार पांच पांच महीने चले जाते हैं और कोई एक्शन नहीं। ये बहुत गंभीर, बहुत दुखदाई, और रेलवे और प्रशासन और उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन टीम सब की पोल खोल रहे। ये उत्तर प्रदेश की कैसी पुलिस की हेल्पलाइन टीम? राजकुमार जी, आपने रेलवे को कोई पत्र या कोई चिट्ठी लिखी है कि रेलवे की तरफ से अभी कोई ऐसे प्रयास नहीं हुए कि दोषियों को कार्रवाई हो, दोषियों पर कार्रवाई हो? इस तरह की कोई जानकारी आप तक नहीं पहुंची है? ऐसा है जी, मैं 300-400 रुपए कमाने वाला मजदूर हूँ, ना तो मेरी इतनी हैसियत है कि मैं कहीं जा सकूं। मैं ये सारा सिस्टम देख कर ना अपना परिवार को चलाने में लग गया। मैं एक तो बेटे का साथ चला गया, उसके बाद में मैं अपनी गृहस्थी चलाना भी जरूरी समझा। सर मैं मजदूर आदमी हूँ, ना मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है। राजकुमार जी हम आपके पास आएंगे, राजकुमार जी आप बने रहिए, हम आपके पास आएंगे। अंकल जी हाँ। मैं रोहित बोल रहा हूँ जी, मैं इस ट्रेन में और दो बंदे की लड़की मेरे पीछे पड़ी हुई है। अरे तुम लोग क्या बात कर रहे हो, मेरे को समझ नहीं है, जान भी कभी बोल दिया क्या? तो दो लड़के लड़के तुम्हारे पीछे पड़े सर, वो सारी बात बाद में बताऊंगा, अभी उनकी डर में वो कर देंगे सर कुछ। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। जी हाँ, रेलवे की कार्यशैली पर बवाल है, इसलिए देश का सवाल है। हम देश का सवाल के आखिरी पड़ाव में हैं। राजकुमार जी अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो आप किस तरह की कार्रवाई की मांग करना चाहते हैं? देश का सवाल का मंच है, शायद रेलवे कर्मचारी अधिकारी रेलवे बोर्ड के अगर सदस्य इसे देख रहे होंगे तो आपकी गुहार कम के बाद उन दोषियों पर कार्रवाई कर उसकी आत्मा को शांति दे पाएंगे। हेलो, राजकुमार जी आपको मेरी आवाज आ रही है? किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद करते हैं आप? और वो कार्रवाई ये है जी, उनको तो जो कराया है उनकी सजा मिलनी चाहिए और बच्चों का कोई ना कोई प्रावधान होना चाहिए। देखो जी, याने बच्चे है, लड़की है 2 साल की, लड़का है 5 साल का, मेरी भी एज 55 साल हो गई, इनका भी कुछ गुजारा लायक ऐसा सिस्टम हो जाए कि ये जिंदगी आराम से बिता सके। राजकुमार जी आपकी आवाज, आपकी ये बात यहाँ पर पैनल में मौजूद बीजेपी नेता विनीत गोयन का भी सुन रहे हैं। विनीत जी, आप इसको किस मुस्तैदी के साथ इस मसले को, इस मुद्दे को रेलवे तक पहुंचाएंगे? नहीं, बात दुख की है और मैं लेकिन एक बात कह सकता हूँ कि इसके ऊपर ध्यान जरूर दिया जाएगा, जो भी दोषी होंगे उसके ऊपर कार्रवाई तो जरूर होगी और जो प्रोसेस में पॉलिसी में जो फर्क करना पड़ेगा उसके बारे में भी चर्चा जरूर होगी। जी, उम्मीद करते हैं कि हाँ। आप जो प्रावधान किए जाने की बात कर रहे हैं ये जल्द से जल्द हो। निशान जी, आपको लगता है ये वो रेलवे है जो आपकी अपनी रेलवे कही जाती है? ऊपर कहा जाता है कि रेलवे आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा समय पर रहने के लिए, अगर समय पर आ जाती तो आज राजकुमार पुनीर को अपने बेटे से हाथ नहीं धोते। निशान जी, मनीष जी, मैं दो ऑब्जर्वेशन यहाँ रखना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि प्राइवेटाइजेशन का जो असर होता है ये रेल मिनिस्ट्री आज देख ले। ये जो कॉल सेंटर वाली अगर बात निकल के आ रही है तो मुझे नहीं लगता है कि रेलवे के प्रॉपर कर्मचारी हैं या यूपी पुलिस के प्रॉपर कर्मचारी हैं जो उस हेल्पलाइन में बैठे थे। जरा ये प्राइवेटाइजेशन को कंट्रोल करिए वरना ऐसा हो। दूसरा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेलवे मिनिस्ट्री से और हरियाणा सरकार से कि इस परिवार की तरफ थोड़ा तवज्जो दे और मेरे ख्याल से कुछ मुआवजे का या नौकरी का ऐलान। लास्ट 10 सेकंड, देखिए किस तरह से ये केस आगे बढ़ता है। मैं कहना चाहूंगा कि जो भी कानून है हर सवारी को जीरो टॉलरेंस लेवल पे सुरक्षा और संरक्षा मिले और जो भी कानूनी प्रावधान है मुस्तैदी से लागू हो, जो प्रशिक्षण जो कॉल सेंटर वाले हैं उनका प्रशिक्षण हो, डेजिग्नेटेड नंबर्स मुहैया कराए जाएं और निश्चित रूप से ये जो घटना हुई है तुरंत तत्काल प्रभाव से इनको इंटरिम कॉम्पेंसेशन दिया जाना चाहिए और रेलवे के अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ एक लाइन है कि मैं चाहूंगा कि इस प्रोग्राम का यूट्यूब लिंक या रिकॉर्डिंग जो है वो रेलवे मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्ट्री और उन लोगों को काइंडली ट्वीट करिए। आप लोग बहुत अच्छा। हेल्पलाइन
हेल्पलाइन का मतलब होता है कि कभी मुश्किल घड़ी आए तो याद कर लेना। काश की रेलवे अगर इस आदर्श पर चलती तो शायद रोहित बच जाता। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। दिन भर की खबरों के पिटारे को लेकर आएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा, आंख कान खोल के।